हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, माय सेल्फ अतीश कुमार पांडे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जो क्लास टेंथ के जो बोर्ड हैं, और उसमें से जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ तो चुके हैं बट कुछ फार्मूले भूल चुके हैं या कैसे होते थे या आइडिया हम लोगों को नहीं होता, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि हम लोग कैसे उसको समझें और उसको जानें, तो उसी के लिए एक छोटी सी वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि रियल नंबर, जैसे हम लोग का एक चैप्टर है, और रियल नंबर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या हम चीज़ें भूल चुके हैं, तो मैं आपको एक बार रिमाइंड कराऊंगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको हम लोग पढ़ते थे रियल नंबर, तो रियल नंबर में हम लोग कई चीज़ों के बारे में स्टडी करते थे। तो रियल नंबर का कुछ स्ट्रक्चर आपका नीचे गिवन है, तो कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, ऑल एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर, ये सारे किसके एग्जाम। तो इसमें देखेंगे एग्जांपल रियल नंबर इंक्लूड, जैसे रियल नंबर आपका 1, 1 बाय 2, 1.75, अंडर रूट 2, ये आपके सारे रियल नंबर में हम लोग पढ़ते थे, जिसमें रेशनल इरेशनल ये सारे नंबर को स्टडी करते थे। तो रियल नंबर कंस्टिट्यूट यूनियन ऑल रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है। एनी नंबर कैन बी प्लॉटेड इन द नंबर लाइन, मतलब कोई भी रियल नंबर, इसमें आपका एक नंबर का क्वेश्चन जरूर बन सकता है, इसलिए मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक नंबर का आपको जैसे होल नंबर क्या है या इनमें से कौन सा होल नंबर नहीं है, इनमें से कौन सा रियल नंबर है कौन सा नहीं है, मतलब कहेंगे और किस कौन सा रेशनल इरेशनल, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें रिमेंबर कराऊंगा, कहीं ना कहीं आपका एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब आप बात करते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा। फिलहाल इसका कोई इतना बड़ा स्कोप नहीं है इस बार 2022 के पेपर में, फिर भी देख लेते हैं। अब ए क्वेश्चन टू पी क्यू प्लस आर था, ये आप देखिएगा, ए क्वेश्चन टू जो पी क्यू प्लस आर था, ए क्वेश्चन टू बी क्यू प्लस आर, तो ये आप नॉर्मली डिवीजन करते थे उस माध्यम से, जैसे हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते थे तो उसमें क्या होता था, डिवाइजर होता था, डिविडेंट होता था, और क्वेश्चेंट होता था, और रिमाइंडर होता था। तो उसी तरीके से हमारा जो होता था, जैसे मान लीजिए बी को मैंने ए को मैंने बी से डिवाइड किया और हमारा क्वेश्चेंट क्यू आ गया और रिमाइंडर हमारा आर आ गया, तो ए क्वेश्चन टू बी क्यू प्लस आर, चूँकि हम बहुत पहले से सारी चीज़ें जानते हैं, तो इसको हम आसानी से, हमें एक कहें तो इसमें ऑलरेडी से हमें पता है, बट इसको हम लोग नए तरीके से एक यूक्लिड डिवीजन लीमा का नाम दे रहे हैं कि इनको इस चीज़ को सबसे पहले इन्होंने दिया था। अब यहाँ पे आपको गिवन भी है, डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर, ये चीज़ों को हम बहुत पहले से जानते हैं, तो इसमें हमें कोई वो करने की वो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम बहुत पहले से सीख चुके हैं। तो ये आपका था, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था कि मेथड यूज टू एस सी एफ एंड टू नंबर ऑफ ए एंड बी, हमें ये यूक्लिड डिवीजन का रिकॉर्ड मान लीजिए कहाँ यूज होता है, तो इसका यूज एल सी एफ फाइंड करने के लिए होता है, और एस सी एफ फाइंड करने के लिए क्यों होता है यहाँ पे, जैसा और एस सी एफ तभी फाइंड हो सकता है जब ए, जैसे ए और बी है, अगर ए इज ग्रेटर दैन बी तो हमारा क्या होगा, बी से हम ए को डिवाइड कर देंगे, और जैसे हम लोग डिवीजन मेथड से एस सी एफ फाइंड करते थे, सेम उसी प्रोसेस से हम लोग फाइंड कर लेंगे, जिसको आपको ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि आगे कैसे होता है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ मेथड एक्सप्रेसिंग अ नेचुरल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब एक कोई नेचुरल नंबर है जो कि अब छोटे छोटे प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, इस तरीके से लिखना, मतलब किसी की नंबर को इस तरीके से एक्सप्रेस करना हमारा क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। अब बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स स्टेट दैट प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर ए गिवन नंबर यूनिक फॉर अरेंजमेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 36 है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3, या फिर लिख सकते हैं 2 × 3 × 2 × 3, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक्स के बारे में हम लोग फैक्टराइज पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे किसी को फैक्टराइज करना हो तो हम लोग जैसे एस सी एफ पढ़ते थे, एस सी एफ दो मेथड से निकालते थे, एक हम लोग डिवीजन मेथड से होता था और एक दूसरा फैक्टर मेथड होता था, तो वही सारी चीज़ों का यूज है। तो आपका एक फैक्टराइजेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा फैक्टर है, या प्राइम नंबर निकालने के लिए हो सकता है, या फिर आपको कहेगा कि कौन सा जैसे कंपोजिट नंबर है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब एलसीएम फाइंड करने का हमारा एक मेथड है, एलसीएम और एससीएम फाइंड करने का कैसे होता था, तो एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लोवेस्ट कॉमन मतलब कितना मैक्सिमम उसके मल्टीपल्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, अब
एलसीएम और एससीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मतलब क्या हुआ कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें देखेंगे जैसे मुझे 36 और 56 का एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए और एससीएम फाइंड करने के लिए आपको दोनों ही एक मेथड से मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। अब यहाँ पे 56 को सेम उसी प्रोसेस में हम लोग सर लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 7। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप ये 2 2 और 2, इसमें दोनों में सेम मैच हो रहा है, मतलब जो जो सेम मैच हो रहा है उसको मैंने यह 2 × 2 लिखा, तो मेरा कॉमन फैक्टर कितना हो गया, एससीएफ जो हो गया हमारा क्या आ गया, एससीएफ हमारा एससीएफ हो गया 2 × 2। जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या होता है, एससीएफ होता है। अब प्लस में दूसरी सिचुएशन में देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए दो इसका दोनों का पेयर मिल रहा था तो ठीक है, और उसके बाद अब एलसीएम की बारी आएगी, जो पेयर मिल रहा है वो भी, जो नहीं पेयर मिल रहा वो भी, उन सारे नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से एलसीएम एससीएफ तो पुरानी बात होगी, आप लोग सीख चुके हैं, फिलहाल मैं आपको रिवाइज ही करा रहा हूँ। अब इसमें हम लोग आगे पढ़ते थे मेथड ऑफ फाइंडिंग एससीएफ, एससीएफ फाइंड करने के लिए मैंने आपको मेथड भी बताया था, अगर आप पिछली वीडियो मेरी देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि किस तरीके से एलसीएम फाइंड करते हैं, जिसको मैंने आपको बोर्ड पे बताया था। अब यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है 18 और 30 का, यहाँ पे देखिए एलसीएम फाइंड करना है 18 और 30 का, अगर आप फाइंड एससीएफ ऑफ 18 एंड 30, तो सबसे पहले स्टेप वन में हमें देखना है कि हमेशा हमने पढ़ा था ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इसमें क्या मानना है ए कौन है बी कौन है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि बी जो है हमें छोटा होता है और ए हमेशा बड़ा होता है, और हम ए से बी मतलब बी ए को बी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखा, हमने देखा कि 30 है, अब 30 को मैं क्या किससे करूँ, बी से, तो 30 = a और इसको b। तो अब यहाँ पे हमारा स्टेप वन क्या हो जाएगा, 18 जाता था, अब यहाँ पे 18 माइनस कर देते थे और 12 बच गया। अब 12 बच गया, जो रिमाइंडर होगा उससे ये फिर यहाँ पे आ जाएगा और फिर 12 × 12, फिर ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक लास्ट में रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। और जिस सिचुएशन में रिमाइंडर जीरो होता है उस सिचुएशन में जो लास्ट टर्म जिससे डिवाइड होता है, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर आ गया जीरो, तो यहाँ पे जिस नंबर से डिवाइड किया गया वो नंबर आपका क्या होता है, एससीएफ। ये चीज़ों को ध्यान में रखना, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब आगे देखते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जिस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एससीएफ ऑफ टू नंबर्स, ये जरूर आप ध्यान में रख लीजिएगा, इससे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलना है, या तो आपको एलसीएम एससीएफ दे देगा दूसरा कुछ फाइंड करने को। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं फॉर 36 एंड 56 एलसीएम इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे दोनों को हमें बताना है कि ये दोनों प्रूव करना है कि इक्वल हैं या नहीं। अब यहाँ पे दोनों नंबर हमारे ये हो गए, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, और प्लस में इन दोनों को 4 और 5044 इन दोनों मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं, अतः हमारा ये जो है ये फार्मूला, ये अब फार्मूला देखिए, ये हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल फार्मूला है, और इससे रिलेटेड आपके एक क्वेश्चन दो नंबर के जरूर बनेंगे। अब आगे हम बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है इरेशनल नंबर से, जिसमें सबको प्रॉब्लम्स होती हैं कि क्या नाम है इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करें, या फिर रेशनल, इरेशनल, कंपोजिट और प्राइम, ये चार चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि लोगों को ज़्यादातर इसी में कन्फ्यूजन होता है कि प्राइम नंबर क्या है, रेशनल कहाँ होगा, इरेशनल कहाँ होगा। तो ये चीज़ों को आज मैं दूर करने वाला हूँ। तो रेशनल वो नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज दैट अगर हम बात करें जैसे 2/3 को, हम जैसे 2/3 है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में देखें तो, और हाँ कंडीशन नंबर एक, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू आपका मतलब डिनोमिनेटर कभी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर कोई भी फ्रैक्शन हो जिसमें आपका डिनोमिनेटर जीरो ना हो तो मेरा क्या होता है, वो होता है कि वो आपका होता है रेशनल नंबर। अगर हम बात करें कि जीरो आता है क्वेश्चन की, जीरो इज अ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, तो हम जैसे मान लो अगर मुझे 0/5 दिया हुआ है, 0/5 को, तो 0/5 मतलब जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं। अब 0/5 का मतलब हम देखते हैं कि 5 क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर अगर जीरो ना हो तो रेशनल,
तो हाँ हम 0/5 भी लिख सकते हैं, 5 एक कंप्लीट नंबर है। तो क्या हुआ यहाँ पे, 0 क्या हुआ, एक रेशनल नंबर में आता है। अब इरेशनल नंबर हो गया जैसे आपका पाई, जिनकी कभी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग में है, कभी वो एक टर्मिनेटिंग होते हैं नहीं, अभी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि क्या होता है टर्मिनेटिंग, कैसे होता है टर्मिनेटिंग, तो वो सारी चीज़ें को देख लेंगे। अब दोस्तों इसमें से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग देखते होंगे प्रूव दैट √7 इज अ इरेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की हम जरूर बात करेंगे, और ये अक्सर हर एग्जाम में आपका 2 मार्क्स का जरूर पूछा जाता है, और इसको ध्यान में रखिएगा। देखते हैं जैसे क्वेश्चन है आपका कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूंगा √7 इज अ रेशनल नंबर। तो हमें सिर्फ मैंने एजम्पशन लिया कि 7 एक √7 एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे 7 एक रेशनल नंबर है तो इसको a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप दोनों तरफ मैंने जब स्क्वायर किया, ये स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो क्या आ गया 7। अब ए स्क्वायर इक्वल्स टू करेंगे तो क्या हो जाएगा 7b² तो हमें पता चलता है कि ए स्क्वायर जो है 7 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 7 का प्रोडक्ट है, तो ए स्क्वायर 7 से डिविजिबल है। अब हम ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं 7c, अब ए इक्वल्स टू 7c, फिर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 49c² हो जाएगा। अब हमें पता है कि ए इक्वल्स टू हमने क्या माना था 7c, ए इक्वल्स टू 7 भी माना था, और ए स्क्वायर इक्वल्स टू 7b². अब यहाँ पे 7b² इक्वल्स टू 49c², तो बी स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 49/c² / 7 हो जाएगा, मतलब 7c² हो गया। अब हमें पता चला 7 भी 7 से डिविजिबल है। अब ये एजम्पशन क्या होगा, आगे चलता रहेगा और आगे चल के हम लोग मानते रहेंगे तो ये ऐसे चलने वाला है। तो ये एजम्पशन क्यों आया, यू एजम्पशन इसलिए हुआ क्योंकि अंडर रूट क्या है हमारा, अंडर रूट 7 एक इरेशनल नंबर है, और उसको मैंने क्या माना है, रेशनल नंबर, इसलिए ऐसा एजम्पशन हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे रेशनल नंबर क्या है, नंबर दैट कैन बी रिटन p/q, जिसको हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, किसकी बात करेंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग मतलब जिसको क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आर डेसिमल दैट इन अ सर्टेन पॉइंट, जैसे हम लिखते हैं 0.56, मतलब एक टाइम के बाद क्या होता है वो एंड हो जाता है, कहानी रुक जाती है। लेकिन क्या है अगला देखो यहाँ पे, जैसे 0.1/3 है, इसको जब पॉइंट में बदलेंगे तो 0.3333, मतलब कभी ख़त्म ही होने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉर्मली थोड़ी टाइम जाके बाद रुक जाए या एंड हो जाए, कंप्लीट नंबर का फॉर्म में हो जाए, तो मेरा क्या होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग चीज़ें होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चेक गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग के लिए सबसे पहले आपको SCF दोनों का ए एंड बी इज 1 होना चाहिए, एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म ऑफ 2 and 5। हमें उसको किस में बदल लेना है, नीचे जैसे a/b है तो b हमेशा आपका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 के पावर m या 5 के पावर n में। अब वहाँ पे ये नहीं मानना है n और m और n 0 भी हो सकता है, अगर 1 है तो उसको हम 2 के पावर 0, 5 के पावर 0 मान सकते हैं। इस तरीके से अगर हमें कोई टर्म मिल रहा है 2 के पावर 5 या 2 के पावर m या 5 के पावर n डिनोमिनेटर के रूप में अगर प्रेजेंट है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वरना फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बाकी सारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग या कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आप देखते ही बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको ये फार्मूला दिया हुआ है, ये आप देखिएगा इस तरीके से। दोस्तों कुछ सॉल्व एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि सॉल्व एग्जांपल क्या है, जैसे कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 and 122 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। कह रहा कि जैसे हमें 70 और 125 को डिवाइड करें और 5 और 8 रिस्पेक्ट बचे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इधर रिमाइंडर है तो ऑलरेडी मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये परफेक्ट, मतलब परफेक्ट इसका एचसीएफ निकल सकता है। तो हाँ मैंने 5 इसमें से माइनस कर दिया, 125 में से 8 माइनस कर दिया। अब दोनों में से माइनस करने पे हमारा कुछ ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जब दोनों ये हमें मिले, अब दोनों का एचसीएफ हमने निकाल लिया, दोनों का मैंने एचसीएफ निकाल लिया। अब दोनों का एचसीएफ निकालने के बाद कंप्लीट नंबर हमारा क्या है,
13, तो 13 हमारा एक राइट आंसर हो गया। जब ऐसी चीज़ें मिले कि क्या मतलब रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर पहले से ऑलरेडी से उस नंबर से माइनस करने के बाद उसका हैसियत निकाल लेंगे और हम लोग करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि फाइंड एलसीएम 3306 एंड 5657 एससीएफ इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है और आपका तीसरा एलसीएम इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है। तो आपको फार्मूला पता है कि ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एससीएफ। तो आपको ए आप मान लीजिए यहाँ पे 306 है, बी आपका 657 है, एससीएफ आपका 9 है और एलसीएम निकालना है। तो आपको फार्मूला लग जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपान एससीएफ और आपका एलसीएम बिना कुछ कैलकुलेशन के आपका फाइनल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, गिवन ये आपका दिया हुआ है और ये आपका बिल्कुल ये सॉल्वड है, आपका एलसीएम कुछ ही आना वाला है। दोस्तों ये रहा कुछ क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है और इसको रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे बोर्ड पे जो हम पढ़ाएंगे उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछने के चांस है या उस टाइप के, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जो पिछले साल भी आए हैं या फिर आने वाले हैं या फिर जैसी भी चीज़ें हैं आपको उस हम शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ और मिलते हैं एक अगले वीडियो में और एक नेक्स्ट एनर्जी के साथ। और हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच सके और आप हर वीडियो मेरी देख पाएँ।